हद मजाक है यार, मैं तो शक्ल दिखाओ ना, नहीं देखनी ना, संदीप बैठ जा यहाँ पे, मुझे बेबी की शक्ल तो दिखा दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं जिम से आ रहा हूँ, मैंने सोचा आज जिम का भी व्लॉग लेकर आऊँगा, बट नहीं लेकर आ पाया, वो इसलिए नहीं लेकर आ पाया गाइस, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, ना मैं ट्राइपॉड लेके जा पाया, ना मैं गोप्रो, और फिर मोबाइल से कैसे रिकॉर्ड हो पाता, खाली शीशे वाला ही रिकॉर्ड हो पाता। तो मैंने सोचा चलो कल से मैं पक्का लेकर आऊँगा, कल तो अब संडे हो जाएगा और संडे को ये वाला व्लॉग आप देख रहे होगे। तो मैंने सोचा संडे है, काफ़ी दिनों से और काफ़ी टाइम से डिमांड भी आ रही थी कि कब से प्रैंक वीडियो नहीं लेकर आए हो। तो प्रैंक का आइडिया तो मेरे पास मस्त सा है, बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है, रोनी मान जाए यार, बस अगर रोनी मान गया ना तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि मैं आज करने वाला हूँ कि यार मेरा यार तो हानि कह रही है और रोज रोज का यही सीन है, बहुत हो गया ड्रामा, मेरे को भी तो अपनी लाइफ देखनी है, सेटल करनी है, तो फिर मैंने शादी कर ली, बस ऐसा कहूँगा, सीधे रिएक्शन देखूंगा, रोनी को दुल्हन की तरह सजा के लेके जाऊंगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और कहूंगा सीधे कोर्ट मैरिज करी या जो भी करा मंदिर में किया, देखते हैं क्या होता है, बट पहले रोनी मान जाए। और जो कल कैप पहनी थी, सब कहते हैं चोर लग रहे हो, पूरा यहाँ से भी ढका हुआ, यहाँ से भी ढका हुआ, गाइस उसका एक लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे को पहले एक जो गोल वाला चश्मा आता है ना वो लेना पड़ेगा, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही है जो येलो कलर का है, तो जब मैं लूंगा तब आपको दिखाऊंगा, शायद वो मेघा के बर्थडे के टाइम पर ही लूंगा मैं, क्योंकि अभी आने वाला है, आज 27 हो गई, 28, 29 फिर 30 को बर्थडे आ जाएगा, तो तभी दिखाऊंगा आपको लुक। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ रूम पे अपने और चेंज वेंज करके नहा धो के आता हूँ, तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैं तो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अभी रोनी भी आ गई, रोनी भी सोया हुआ था, सोच हो गए उठ रहा है आज। अरे रोनी यार एक काम है आज, क्या एक काम करना है, उसके बाद मस्त से पार्टी करेंगे अगर सक्सेसफुल हो गया तो। क्या आज एक बड़े तगड़ा काम है, कुछ बड़ा करवाने वाले, तो इतना ऑफर दे रहे हैं, कुछ पार्टी आर्टी करेंगे उसके बाद। प्लान क्या है? प्लान ये है कि आज का उस दिन मेघा ने नानी कहा था कि गए तो नहीं करेंगे, ये है बार बार प्रपोज रिजेक्ट, तो मैं सोचा एक बदला लिया जाए, क्योंकि इतना टाइम हो गया, एक हफ्ता तो हो गया होगा, हाँ है ना, 7-8 दिन हो ही गए, इतने तो हो गए, 4-5 दिन से तो ऊपर ही हो गया होगा, तो मैं सोचा हूँ बदला लिया जाए, क्योंकि ऐसे तो हाँ कहने से नहीं, जब उंगली सीधी उंगली घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो क्या दूसरी गर्लफ्रेंड बनाओगे? दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं, शादी है। अरे और दुल्हन दुल्हन कौन है? कौन है, किसको बोला है? ये फंस गया मैं, क्या क्या दुल्हन बन जाए भाई, पागल हो? अरे दुल्हन दुल्हन कुछ नहीं करना है, कुछ बोलना तक नहीं है, कुछ बुलवाऊंगा भी नहीं, लगूंगा दुल्हन जैसा ना, ऐसा मैं ऐसा बनाऊंगा ना, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, नीचे से जीन्स पहन रहा है, आजकल तो मॉडर्न दुल्हन होती है जी भी, वह हमारे वहाँ क्या होता है ना, एक पिछौड़ा कहते हैं ऑरेंज ऑरेंज कलर का, वो मैं रेंट में भी ला गया हूँ यार, अब तो मना नहीं हो सकता। अरे यार मतलब रोनी आ गई बोलते बोलते भी मेरी आ गई वाली करवा, कुछ नहीं होगा ना, ऐसा करके पूरा ढक देना, चेहरा दिखेगा ही नहीं, कहूँगा क्या कहते हैं पिछौड़ा है, बाकी मॉडर्न मॉडर्न लड़की है, अच्छी से शादी कर ली, मॉडल पढ़ी लिखी है, कहाँ पहनते हैं आजकल साड़ी वाड़ी, मॉडल लहंगे वहंगे, मॉडर्न लड़की घूंघट डाल के बैठेगी है घूंघट नहीं, पे मैं लेकर आऊँगा ना, मैं कहूँगा चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे करके नोटिंग ही करेंगे, ठीक है, आखने में पता तो चल ही जाएगा उसको, क्योंकि प्रैंक है तो बता तो देंगी, लेकिन देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है, ठीक है, तो मैं लेकर आ जाऊँ यार, बड़ा भारी पड़ने वाला है ये। अरे कोई भारी नहीं पड़ने वाला यार, कोई दिक्कत नहीं है, कभी मैं भी बन जाऊंगा कभी, अच्छा चलो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं फटाफट लेकर आता हूँ, ओके, मैं रेंट में लेकर आऊँ, एक पिछौड़ा कहते हैं जो उत्तराखंड के होंगे उनको तो पता ही होगा कि पिछौड़ा क्या चीज़ होती है, रोनी को भी पता चल जाएगा भी पिछौड़ा क्या चीज़ होती है, पता नहीं क्या करवाने वाले हो, मुझे नहीं पता क्या पहनाने वाले हो मुझे ये। तो गाइस ये रहा पिछौड़ा जो मैंने रेंट में ले रखा है, ये मेरे को मिला 250 का सिर्फ 24 घंटे के लिए, अभी मैं दिखाता हूँ, रोनी को मैंने तैयार कर दिया है, ये देखो नीचे से घाघरा दिस इज फॉर यू यार क्या करे आज उस दिन प्रपोज में बहुत साथ दिया ना, आज इसके बदले बहुत कुछ लेने चलो तो ये फिलहाल रोनी का लुक है, अभी रेडी करता हूँ रोनी को, ये घाघरा पहन के चलते कैसा लोग उठाए तुम, चलो। सो गाइस अभी मैंने टीका भी लगा दिया यहाँ पे, और इतनी मुश्किल से रोनी को मनाया ना, क्या ही बताओ, मतलब कि इतना घूस दी, लालच दिया, जो समझना है समझ लो, बस मना दिया है, तो अभी रोनी आ रहा है पिछौड़ा छोड़ा पहन के रेडी रेडी होके। सो गाइस जब तक रोनी रेडी हो रहा है तब तक मैं मेघा को कॉल कर लेता हूँ, और एक बार उससे लास्ट बार पूछ लेता हूँ, अगर अभी हाँ हो जाएगा तब तो ठीक है, ना होगा तो फिर तो प्रैंक डन है। हेलो कहाँ हो? मैं घर में। घर में? घर चले गए क्या? मतलब कि रूम में अपने। रूम में? हाँ तबीयत खराब है। मैं लास्ट बार पूछा तुमसे, एक हफ्ता हो गया। क्या? हाँ या ना? संदीप यार मैंने कितनी बार समझा रखा है तुमको, मेरे को थोड़ा टाइम दो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। बस तुम ऐसे बीमारों पर से इरिटेट करते रहते हो बार बार पूछ के। बस बहुत हो गया। अब देखो तुम क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अब देखो तुम होगा छत में चलो, तुम अपने में छत में आ रहा हूँ, एक घंटे में आ रहा हूँ।
नहीं, एक घंटे में क्या दिखाने वाले हो तुम? तुम देखो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या दिखाने वाले हो बताना तो? वो तुम्हें पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तुम बताओ पहले। अभी क्या बताओ? ऐसा ऐसा तो नहीं करने वाले हो ना कुछ? ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। एक खतरनाक पॉजिटिव स्टेप लिया है मैंने। क्या पॉजिटिव स्टेप लिया है बताना मुझे भी, अच्छी बात है तो। अगर तुमने स्टेप ले रखा है तो देख लेना, फिर अभी आ रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या स्टेप है, बताओ ना। ना ना, मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय। ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है। तो रोनी भी अब रेडी हो गया, अब चलते हैं फटाफट। अब सीधे वहीं मिलता हूँ मैं उनके छत में। और गाइस, ऐसा रिएक्ट करूँगा वहाँ पे, क्योंकि कैमरा तो मेरे पास ही, और उसके छत में जाके तो मैं कैमरा छुपा सकता हूँ नहीं। तो मैं ऐसा रिएक्ट करूँगा जैसे मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और व्लॉगिंग के थ्रू ही प्रैंक भी शूट हो जाएगा। गाइस, अभी हम आ चुके हैं उसकी छत में, वो बैठी है उस कोने में। तो अभी मैं और रोनी, मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, बेबी बेबी करके बात करूँगा, ठीक है? बिल्कुल कपड़े दिखने मत देना। मैं देखा, मैंने वो बैठी है वहाँ पे। आओ बेबी। मेघा ठीक है? इट्स माय मैरिज व्लॉग। मैंने सोचा तुम्हें मिला देता हूँ। आओ, एक काम करते हैं, पहले बैठा देते हैं इनको। भैया बैठे। व्हाट द हेल, कौन है ये? कौन है क्या? और हेल का वर्ड क्यों यूज किया पहले बताओ? क्या हेल वर्ड क्यों यूज किया? मैं व्लॉग बनाते हुए आ रहा हूँ और तुम ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो। घर वाले भी देखते, सब देखते। मत करो, इधर आओ। आप इधर आओ, आप इधर खड़े रहो, मैं आपके लिए बैठने के लिए बनाता हूँ, ठीक है? कौन है ये पास? संदीप, तुम वहाँ पे बैठ जाओ ना। घर वालों से पूछे बिना भाग की शादी कर ली तुमने? भाग की क्यों की है? पूरा सब कुछ अरेंज मैरिज है। बेबी तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। वाह वाह वाह, अरेंज मैरिज ऐसे होती है? घर वालों से बात नहीं करवाई तुमने? घर वाले आते हैं, लड़की घर वाले कहाँ है तुम्हारी गाड़ी बारात कहाँ? मैंने कर ली ना, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है भाई। मैं क्यों पूछूं घर वालों से, मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। आओ बेबी तुम बैठो, रुको मैं तुम्हारे लिए चेयर लेके आता हूँ, ठीक है? आप बैठ जाओ यहाँ पे। मुझे बेबी की शक्ल तो दिखा दो। बेबी आप बैठो यहाँ पे, ठीक है? मेरे को चेहरा दिखाओ। नहीं, चेहरा नहीं दिखाना, तुम इधर आओ। संदीप, क्या दिक्कत है? मेरी तबीयत ऑलरेडी, तुम्हें मेरी लाइफ से क्या दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा ब्लॉग शूट करता हूँ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या, मेरी वाइफ आ चुकी है, इसके बाद हम लोग जा रहे वापस हल्द्वानी। तुम उधर जाओ। क्या हो गया, क्या दिक्कत है? हद मजाक है यार, मेरे को शक्ल दिखाओ। ना नहीं देखनी ना, संदीप वहीं रह, बैठ जाओ वहाँ पे। क्या दिक्कत है? मेरी तबीयत ना ऑलरेडी खराब है, मुझे तो मैं क्या परेशान कर रहा हूँ। मेरी लाइफ को कंट्रोल ना करोगे, मेरी मर्जी मैं शादी करूँ ना करूँ। हाँ, मैं कब तक वेट करूंगा यार, मैंने चार दिन वेट कर लिया। बहुत कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, पर ये इतनी चीप हरकत, मतलब तुमसे ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम ऐसे शादी कर लोगे। ये शादी देखो, तुमने कहाँ जाके करी है ये शादी? मैंने करी है मंदिर में, कलकत्ते नगर में। तुम्हें हाँ भी बोल देती और हम फ्यूचर में साथ रहते, मैं तुम्हें तुमसे तो थोड़ी देर लड़ाई करते, तुम तो डिवोर्स की पेपर लेके आ जाते। ऐसा तो ना है, मैंने कहा 4-5 दिन इंतजार कर दिया, बहुत हो गया। 4-5 दिन बहुत हो गया, बहुत होता है। 4 मंथ से मुझे प्रपोज कर दिया, ठीक है? अब मेरे को सोचने का टाइम भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से तुमने मेरे सामने दुल्हन लाके रख दी। बेबी तुम बैठे रहना, बेबी कोई दिक्कत नहीं है। बेबी चलो यार आओ, मेरे को लगा यार यहाँ एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, ठीक है? आई अप्रिशिएट योर चॉइस, आई अप्रिशिएट योर वाइफ आल्सो, बट मुझे एक बार चेहरा तो दिखा दो। मैंने सोचा कि यार देहरादून में मेरा कोई है नहीं, तेरे से मिलवाता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। अब तो तुमने सीधे ही पराया कर दिया संदीप। पराया करा होता तो मैं दिखाता भी नहीं, मैं सीधे ही निकल लेता घर को। शर्म ना, एक तो मैं मिला नहीं, ये क्या बात हुई? एक तो मैं लेकर आया ना, कुछ मानता तभी लेकर आया। तो लेकर आया नहीं, अब तुम जाओ, मुझे ना आजकल अपनी शक्ल मत दिखा देना, सच में हो गया। ऐसी हालत में तुमने मुझे इतना बड़ा सदमा दे रखा है, अब तुम कहाँ रखोगे इनको? कौन है ये? मैं लेके चलूंगा घर में, क्या दिक्कत है? घर वाले ले जाएंगे, घर वालों को दिखाऊंगा, ये देखो ये है बहू तुम्हारी। ढूंढी कब, कैसे कर ली शादी संदीप? कोई वैलिड रीजन तो? तुम्हें क्या लगता है हम ऐसी हैं? हमें मिलती हैं लड़कियां, हमें भी मिलती है, प्रपोजल आते हैं। जबरदस्ती की लड़ाई कर रहे हो मुझसे, है? जबरदस्ती की लड़ाई कर रहे हो? चलो यार बेबी, हमारी यहाँ कोई इज्जत नहीं। चलो बेबी चलो, बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। नहीं, क्या चल रही है सब? क्यों मार रहा है मेरे पति को? बेबी चलो, बेबी बहुत बहुत, बेबी बहुत हो गया, चलो बेबी। नहीं बेबी नहीं, क्या हरकत है? कौन ही लड़की? बेबी चलो, बेबी चलो, चलो बेबी। नहीं नहीं, क्यों मार रहे हो मेरे पति को? बेबी मत बोलो तुम, बेबी मत बोलो, प्लीज मत बोलो बेबी। नहीं नहीं, है कौन? कौन है? क्यों मार रही है मेरे पति को? नहीं नहीं, क्यों मार रहे हो मेरे पति को? कौन है लड़की? नहीं नहीं, कौन है लड़की? क्यों मार रहे हो मेरे पति को? बेबी चुप हो जा तुम, दिखाना जरा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चिची, 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 चिची।
इस बेबी ने बोल के खराब कर दिया गेम। बेबी थोड़ी देर कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा, मेरे पति को मार रही। ऐसे कैसे मार रही मेरे पति को? ये बेबी क्या कहते हैं, भावनाओं में बह गया, कैरेक्टर में आ गया था। तुम इसको लेके कैसे आए वहाँ से? मानना पड़ेगा संदीप, मतलब इतने फालतू के प्रैंक्स हैं तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? मैंने तो सोचा एक बार कि तुमने सच में किसी से शादी कर ली है। मुझे तो मैं सच में मेरा दिमाग कह रहा था झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है मेरे साथ कुछ ना कुछ। ऐसा मजाक वो कैसे रहा नहीं यार। ये रोनी ने यार गेम खराब कर दिया, इतना लंबा खींचता ना मजा आता, रुला देता मैं इसको। आज तो मैं रुला देता, मेरा प्लान था आज बस बहुत हो गया। अभी भी हाँ कहता नहीं तो अभी मैं इतनी दुख में थी तो तू मेरी तबीयत इतनी खराब है, ऑर्डर में डाल डाल के मैं नाक खोल रही हूँ अपनी, ठीक है? और वही वैसे इरिटेट हो रही थी, ऑर्डर में गले में चला जा रहा है और मुझे क्या पता तुम आ रहे हो ऐसे करके, वो भी ऐसे। मुझे लगा सरप्राइज देने आओगे, चॉकलेट्स कुछ कुछ लेकर आओगे। आप चॉकलेट देते ही रहोगे, बहुत हो गया। सीधे बीबी यार मैं कहने का मतलब तुमने कहा था ना कि अभी भी मौका हाँ कह दो। ये हद हो गई, मतलब एक तो डायरेक्टली हाँ नहीं बोलती, फिर ऊपर से कुछ भी करे बंदा, बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं शादी करके आ रहा हूँ, लड़ाई कर रही है, करना क्या चाहते हो? मतलब तो जब तक हाँ नहीं बोलोगे तो यही सब हरकतें करते रहोगे? मैं तो अभी ये तो स्टार्टिंग है। हाँ बोलना तो जरा, तुम यही हरकतें करते रहोगे? हाँ भाई करूंगा मैं। ठीक है आज का अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। मैं अब सच में शादी कर लो, जाओ जाओ। चलो नहीं कपड़े पहन, सच में शादी कर लेते। मुझसे इतना गंदा मजाक क्यों किया? निकलो यार तुम, मैं जा रही हूँ ऐसे। घूमने नहीं चलोगे फिर आज मेरे साथ? हाँ मैं एक घंटे से सोच रही हूँ यार, पता नहीं ऐसा क्या करने वाला है ये। मुझे क्या पता तुम इतना घटिया वाला प्रैंक करने वाले हो। लेकिन प्रैंक में मजा आया ना? कुछ कहने नहीं आ रहा, लड़की बन गया मैं तो। हंसी नहीं आई मुझे देख के? हंसी क्या, तुम तो छोड़ो यार। रोनी यार खाली रोनी ने बीचा बोल दिया ना, ये तो दिक्कत आ गई। रोनी अगर चुपचाप रहता तो मैं गुस्से में निकल भी लेता। मैं मेरे पति को ऐसे कैसे मार रही? सोच के। अरे यार रोनी ने सीन, रोनी अगर चुपचाप रहता तो मैं निकल भी लेता ऐसा, फिर दो तीन दिन तक गुस्सा ही रहता। मानना पड़ेगा बोले तुमने पिछोड़ा, ये पिछोड़ा रेंट में लेके आया, कहाँ से जुगाड़ किया क्या बताऊँ तुम्हें। चलो चल रहे, चलो ठीक है, मुझसे बात मत करो तुम। डर भी नहीं रहा मैं तुम्हारा, देख लिया मैंने रिएक्शन। क्या रिएक्शन? हाँ यार सच में भी हो गई होती तो अभी तो भगा रही थी। भगा रही थी? मैं तुमको भगा रही थी कि गुस्सा कर रही थी? तुम्हें को भगा रहे थे। चलो हम जाने भाई, ये दे जाओ इधर, मेरी बहू के काम आएगा वो।